विवाद चल रहा है इस पर? हाँ देखिए, सबसे पहला बात तो 1932 जो कि 90 साल पुराना मामला है और 1932 को हम स्टडी कर पाए, इसलिए हम इस पर बहुत तर्क से अपनी बात को रखे। लेकिन जहां तक कुड़मी का प्रश्न है, मुझे लगता है इस भूभाग की बहुत प्राचीन समुदाय है, उनके बारे में मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है, मैं अध्ययन कर रहा हूं। जिस दिन मेरा अध्ययन पूरा हो जाएगा निश्चय ही आपके उन सवालों का मैं विस्तार पूर्वक और तर्क के साथ उत्तर दूंगा। लेकिन हाँ, आपके दो चार सवाल जो सोशल मीडिया में काफी घूमे हैं, जिनमें दो चार लोगों ने काफी ऐसे बयान दिए, जिसमें एक बयान वायरल हुआ था अफीम की खेती, तो हमको जहां तक मानना है, मैं भी कुड़मी का परिवार का बेटा हूं, आप किसी भी कुड़मी का बेटा या बेटी से पूछिए, मुझे लगता है अफीम दिखता कैसा है, अफीम का रंग क्या होता है, अफीम होता क्या, उसको जानकारी नहीं। हाँ, उसको जानकारी है धान के बारे में, उसको जानकारी है खरियान के बारे में, उसको मतलब कि बहियाड़ का मतलब क्या होता है, कनारी का मतलब क्या होता है, बायद का क्या मतलब होता है, और फसलों का नाम जानता है, वो खेती के तरीकों को जानता है। इसका मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि अफीम से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध धान से है। अब वो इतिहासकार डिसाइड करें कि इस क्षेत्र में पहले अफीम आया था कि धान। अगर अफीम आया था तो जो लोग अफीम की खेती करते हैं, हम स्वीकार करेंगे वे लोग पहले आए हैं, लेकिन अगर धान यहाँ पहले आया है तो फिर आपको मानना होगा कि धान का संबंध कुड़मी से, हमारे सभी पर्व त्यौहार धान से संबंध रखते हैं। उतना ही नहीं, और एक विद्वान का बयान था कि हम लोगों को अंग्रेज लेकर आए हैं, पहले मैं उनका सम्मान करते हुए उनके बात का कटाक्ष करना चाहूंगा और अपने तर्क से प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंग्रेज इस माटी में तब विकसित हुए 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, इन्हीं दो युद्धों के माध्यम से बंगाल और बिहार में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आप उनको जानकारी देना चाहेंगे, आप कभी भी समय मिले तो सोना पहाड़ी चले जाइएगा, जहां हमारा एक पूजा स्थल है, उसकी स्थापना 1600 में हुई है। तो अगर अंग्रेज हमें लेकर आए थे तो हमारा जो भी 1700 के बाद का इतिहास होना चाहिए था, हमारा इतिहास 1600 का, हम तो पीछे नहीं जा रहे, हम बस उनके तर्क को खारिज करते हुए देना चाहेंगे कि 1600 में सोना पहाड़ी का स्थापना हुआ है। ठीक है, हुई है ईस्ट इंडिया 1660 के आसपास, लेकिन बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया था। बाकी अंग्रेज तो आए थे 1600 के टाइम, लेकिन प्रभुत्व उनका बलशाली नहीं हो पाए थे, वे बलशाली क्षेत्र में थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि 1757 और 1764 का मामला है। लेकिन हमारा वहां सोना पहाड़ी का स्थापना 1600 पीरियड में हुआ है। यही नहीं, हम अगर अपने इतिहास को खंगालेंगे तो बहुत पीछे जाएंगे। हमने स्पष्ट कहा हमारा संबंध धान से है, तो इसीलिए इतिहासकार पता करें कि धान का खेती इस छोटा नागपुर के पठार में कब से हुआ है। धान अगर नया है तो हम भी नए हैं, अगर धान पुराना है तो हम भी प्राचीन है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।